तमर आगा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने औरिया मकबूल साहब की गुफ्तगू भी सुनी, आप खुद एक मुस्लिम है और आप भारत में रहते हैं। बड़ा गहरा सवाल है, कुछ कड़वा भी है, तीखा भी। अगर आप माइंड कर जाए तो मैं एडवांस में आपसे सॉरी कहती हूँ। मजहबी इंतजार हमने देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट में यानी मोदी साहब की गवर्नमेंट में बड़ा है। आप खुद मुस्लिम में कैसे देखते हैं मुसलमानों के साथ वहां पे इस तरह का नारवा सलूक बढ़ता जाता है? आपको बतौर मुसलमान तकलीफ होती है और बतौर इंसान तो होनी ही चाहिए। किसने आपको बताया कि बड़ी तकलीफ होती है? मुझे तो आज तक नहीं लगा कोई मुझे तकलीफ। मीडिया आजाद है, हम लोग सब देखते हैं। यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हूँ मैं, यहाँ के अच्छी जगहों पे मैंने नौकरी की है। मैं अकेला नहीं उस तरह के, पता नहीं कितने आपको अखबार में भी और दूसरे शोबे में लोग मुसलमान मिल जाएंगे। यहाँ पे जितने बड़े बिजनेसमैन है मुसलमान, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक भी नहीं होगा उनके मुकाबले में। जो चंद पांच छह जो बड़े बिजनेसमैन है, जो बिलियनर्स हैं, मल्टी बिलियनर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर छोटे बिजनेसमैन यहाँ पे जितने हैं उतने बड़े भी नहीं होंगे। इतनी बड़ी इकोनॉमी मुसलमानों की है, शायद पाकिस्तान की पूरी टोटल इकोनॉमी नहीं होगी उतनी। देखिए हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग इस तरह की बातें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं करते। हमारे यहाँ जरूर है एबरेशन, उसमें जरूर होता रहता है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है पाकिस्तान, पाकिस्तान से जो नफरत आती है और पाकिस्तान जो हिंदू मुस्लिम बनाई नफरत पे है। उसके जिस तरीके से अलहदगी कराई गई है कि मुस्लिम हमारे सेपरेट नेशन अलग हो गए, आपने अलग बना लिया अपने मुल्क को, और फिर उसके बाद वो जिस दिन ये नफरत खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान की वो जुग में जो सियासत है वो उसको आगा सर थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगी। आई एम रियली सॉरी, आप मुझसे बड़े हैं एज में भी, तजुर्बे में भी, मेरा मुझे आपकी करेक्शन करनी नहीं चाहिए, लेकिन नफरत नहीं थी, बेसिकली तासुब था। वही तासुब जो आज भी पाया जाता है। 7 decades गुजर चुकी हैं, 7 से ज्यादा दहाइयां गुजर चुकी हैं आपके यहाँ से देखा जाता था, तब भी मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक बढ़ता जाता था और अब तो मजीद बढ़ता जा रहा है। ये सब कुछ नफरत में और वन साइडेड तासुब में बड़ा फर्क होता है, इसलिए पाकिस्तान बना था दो कौमी नजरिए पर। मैं चाहूंगा कि आप जरा सा अपनी माइनॉरिटीज की तरफ ध्यान दें और जो इथनिक कम्युनिटीज हैं, दूसरी बलोच या पश्तून या सिंध या कश्मीरी, इनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें तो हम लोग छोड़ दें। कमर आगा साहब, मैं एक छोटा सा कह रहे हैं।